नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मार्केट में जैसे आपको पता है कि बहुत अच्छी तेज़ी चल रही है, बहुत ही अच्छी मूवमेंट आ रही है स्टॉक स्पेसिफिक भी, और इस मार्केट में अब धीरे धीरे करके मुश्किल हो रहा है कि किस जगह पे इन्वेस्ट करें और क्या चीज़ इन्वेस्ट करें। जो अच्छी बात है कि क्योंकि इतना हमारी बड़ी मार्केट है, इतना डाइवर्स सेक्टर्स हैं और इतने स्टॉक ऑप्शन हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तब भी ढूंढने पे मिल जाता है। और ऐसी एक स्टॉक की मैं आज चर्चा करूंगा, वो है L&T फाइनेंस। अब L&T फाइनेंस NBFC स्पेस में एक तरह से अंडर परफॉर्मर है। पिछले 5-6 साल में इसने निराश किया है इन्वेस्टर्स को। 2014-15 में एक अच्छा ब्रेकआउट आया था जब ये 40-50 रुपये से चढ़ के पहले 70-80 रुपये गया, वहाँ से चल के 150 रुपये तक भी एक बार गया था 2018-19 में एक बार शायद। तो अब उसके बाद लगातार इसने अंडर परफॉर्म किया है। अगर आप इसकी वैसे देखेंगे परफॉर्मेंस, जो इंडस्ट्री के लीडर्स हैं बजाज फाइनेंस और इवन चोला मंडलम फाइनेंस, उसके कंपैरिजन में बहुत ही लोग परफॉर्मेंस है, क्योंकि उन स्टॉक्स ने जहां डबल ट्रिपल 4-5 times किया है पिछले 5-6 साल में, इसने एक ही रेंज में रहा है। जैसे मैंने बताया कि 2015-2017 में जो एक ब्रेकआउट हुआ था वहाँ, 2017 के बाद इसने तकरीबन फ्लैट परफॉर्मेंस है। डिस्पाइट जो अभी रन अप हुआ है उसके बाद भी इसकी परफॉर्मेंस फ्लैट है। तो पिछले 5-6 साल में अगर किसी ने इसको होल्ड करके रखा है तो उनके रिटर्न्स ना के बराबर हैं। अब रीज़न इनका बुलिश होने का, मेरे मुताबिक एक तरह से अगर देखें तो मार्केट में ये भी प्रेजेंट है, बाकी की चीज़ें जैसे बताया बहुत चल चुकी हैं, इनके भी रिजल्ट्स ठीक ठाक हैं, वैल्यूएशन कंफर्ट है, क्योंकि इंडस्ट्री वैल्यूएशन से इनके ऑलमोस्ट हाफ वैल्यूएशन है। अगर इंडस्ट्री का पी तकरीबन 30 times है, ये 16 times पे कोट हो रहा है, एक तो सस्ता है। दूसरा, इनके जो सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने भी पिछले 2-3 सालों में अपना कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की है। जो कारण था इनका अंडर परफॉर्मेंस का, उसको रिमूव करने का पूरा प्रोसेस इनका चल रहा है, और जिस तरह से इनके पास एक मैनेजमेंट स्ट्रेंथ है L&T की, मेरे को पूरा विश्वास है कि जो इनका प्रोसेस है ये चल भी रहा है, इनके मैनेजमेंट कमेंट्री में भी आया है, और ये जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो इनकी भी परफॉर्मेंस यहाँ से काफ़ी इम्प्रूव होगी, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, जो ऑलरेडी थोड़ा बहुत दिख रहा है रिजल्ट्स में पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स में, पर ये जो पूरा इनका है कॉर्पोरेट रिसर्चिंग का, वो जब कम्प्लीट हो जाएगा तो उसमें काफ़ी अच्छा नज़र आएगा, और यहाँ से एक तरह से ये स्टॉक रीरेट हो सकता है। अब जो रिसर्चिंग कर रहे हैं उसमें एक कर रहे हैं कि जो अनरेटेड बिजनेसेस हैं जिनमें इनका कोई बहुत ज़्यादा अच्छा होल्ड नहीं है, उन सब से निकल रहे हैं। जैसे रियल इस्टेट का इनका पोर्टफोलियो बहुत बढ़ा था, उसमें से कम कर रहे हैं। जो इनके जहाँ इनका फोकस नहीं था ज़्यादा, जहाँ इनकी ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी, उन सब से निकल रहे हैं, एक सिंपल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। पहले बहुत फैला हुआ स्ट्रक्चर था, सिंपल लीनर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो इनके स्ट्रेंथ्स हैं उसी पे फोकस कर रहे हैं, और ज़्यादा बहुत सारे सेगमेंट से निकल गए हैं, जैसे इनका म्यूचुअल फंड था उसमें से निकल गए हैं, रियल एस्टेट का वर्टिकल में से इन्होंने काफ़ी चीज़ें हटा दी हैं, तो ऐसे कई चीज़ें हट गई हैं। जो उनका फोकस है कंज्यूमर लोन, टू व्हीलर लोन्स, होम लोन्स, इन पे फोकस कर रहे हैं, और इसके अलावा फार्म लोन्स, माइक्रो लोन्स, इन सब में फोकस कर रहे हैं। तो 5-6 इन्होंने अच्छे वर्टिकल्स निकाले हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं, काफ़ी डाउनसाइजिंग किया है कॉर्पोरेट को, काफ़ी खर्चे रेशनलाइज किए हैं, और ये सब का आगे चल के इम्पैक्ट आएगा। तो मेरे मुताबिक ये स्टॉक अगर रीरेटिंग होता तो यहाँ से बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि इंडस्ट्री एवरेज से ये काफ़ी कम वैल्यू पे ट्रेड हो रहा है, जैसे मैंने पहले बताया। दूसरा, इसमें डाउनसाइड लिमिटेड है, क्योंकि अगर किसी वजह से, जो मैं समझ रहा हूँ कि अगर रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, अगर वो नहीं भी होता तब भी यहाँ से खोने को कोई खास नहीं है, आपका इसके आसपास ही ट्रेड निकल जाएगा, और ना सिर्फ इसके आसपास निकलेगा, हल्का फुल्का प्रॉफिट तब भी बन जाएगा। 130
135 का टारगेट है, जो कि मेरे मुताबिक 135 का टारगेट अगर 105 रुपये पे लेते हैं तो अराउंड 30% का रिटर्न है। उतना तो एक साल के अंदर वैसे भी आ जाएगा, जिस तरह से बाकी NBFC चल रही हैं। अगर बजाज फाइनेंस ने एक ऑल टाइम हाई पे जाना है जो लग रहा है, और चोलामंडलम ने यहाँ से चलना है, बाकी दिग्गज बैंक जिस तरह से ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहे हैं, तो ये वैल्यूएशन को ही मैच करने के प्रोसेस में 135 यहाँ से 25-30% रिटर्न तो आपको आ जाना चाहिए। तो जैसे हम बताया, खोने को कुछ नहीं है। वर्स्ट केस जब 125-30 के आप आएगा दोबारा रिव्यू कर लेंगे, पर यहाँ से रिटर्न आपका एक थोड़ा लिमिटेड रिटर्न 25% रिटर्न जो कि बुरा नहीं है, वो तो तकरीबन आप कह सकते हैं कि निश्चित ही है एक साल के, जिस तरह से मार्केट चल रही है। और निश्चित तो कुछ भी होता मार्केट में, मैं कहूँगा बहुत अच्छा चांस है कि आपका 25-30% रिटर्न यहाँ से ऊपर की तरफ आएगा। और जैसे बताया कि वैसे भी स्टॉक बहुत दबा हुआ है, कोई डाउनसाइड बहुत लिमिटेड है, और किसी वजह से ऊपर नहीं आता तब भी आपका नुकसान नहीं होगा, जो 105 के आसपास तो आपका निकल ही जाएगा। और अगर रीरेटिंग, जिसकी मैं संभावना कर रहा हूँ, हो जाए तो वो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो वर्स्ट केस सिनेरियो डाउनसाइड नहीं है, बेस्ट केस सिनेरियो यहाँ से मल्टीबैगर है, और अगर मल्टीबैगर भी नहीं होता तो आपका 25-30% रिटर्न के तो बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो इसलिए रिस्क रिवॉर्ड में मैं समझूंगा कि अभी इस मार्केट में ये काफ़ी अच्छा स्टॉक उतरता है, तो आप इसको खरीदारी कर सकते हैं। लिमिटेड डाउनसाइड रिस्क, पोटेंशियल ऑफ अपसाइड मल्टीबैगर, नहीं तो वेरी ग्रेट चांस कि 25-30% रिटर्न तो आपका कहीं नहीं गया। तो इस लिहाज से आप इसमें मेरी रिकमेंडेशन होगी। मैं ज़रूर समझ होप करूँगा कि आपका यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट आए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा ज़रूर लाइक और शेयर करिए। थैंक यू सो मच, नमस्कार।